हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, घोड़ा, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में उसे हॉर्स कहते हैं। दोस्तों, यदि शनिवार के दिन आप काले घोड़े को चने खिलाते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। काले घोड़े को चने खिलाने से क्या होता है, इससे पहले जानते हैं घोड़े के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, धरती पर मौजूद सभी स्तनपानी जानवरों की तुलना में घोड़ों की आंखें सबसे बड़ी होती है। घोड़ी की आंखें उनके सर के अगल बगल होती है, यही वजह है कि उनकी देखने की क्षमता 360 डिग्री होती है। तो दोस्तों, घोड़े एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया में घोड़े के 350 से भी अधिक नस्लें हैं। ये बहुत ही रस्मी बात है जिसे जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि घोड़े की सबसे पुरानी नस्ल अरेबियन नस्ल है। विशेष तथ्यों के अनुसार मिस्र के पिरामिड काल यानी कि लगभग 4500 साल से मौजूद है। दोस्तों, घोड़े के झुंड में सभी घोड़े एक साथ नहीं लेटते हैं, उनमें से कुछ घोड़े हमेशा खड़े ही रहेंगे ताकि वे आसपास के संबंधित खतरे पर नज़र रख सकें। दोस्तों, घोड़े खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। घोड़े के बारे में माना जाता है कि इनकी याददाश्त बहुत ही तेज होती है और इस मामले में ये हाथी से भी अधिक तेज होते हैं। एक वयस्क घोड़े के मस्तिष्क का वजन लगभग 22 अंश का होता है, जो कि मानव मस्तिष्क के वजन से लगभग आधा होता है। घोड़े कभी उल्टी नहीं कर सकते। घोड़े के दांतों का आकार उनके मस्तिष्क के आकार से बड़े होते हैं। अपने तस्वीरों में घोड़े हंसते हुए तो देखा होगा, लेकिन सच तो यह है कि ये खुश होकर नहीं हंसते हैं। दरअसल ऐसा करके ये बेहतर तरीके से सूंघने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक घोड़ा एक दिन में लगभग 100 लीटर पानी पी जाता है। आमतौर पर घोड़े जहाँ देख रहे होते हैं उनके कान भी उसी दिशा में होते हैं, लेकिन यदि उनके कान और आँख अलग अलग दिशा में हो तो समझ लीजिए कि वे दो अलग अलग जगह पर देख रहे हैं। दोस्तों, इनके शरीर में पित्ताशय की थैली नहीं होते हैं। घोड़े के प्रत्येक कान में 16 मांसपेशियां होती है जिससे इसे वे 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। एक घोड़े के दिल का वजन लगभग 4 से 5 किलो होता है। घोड़े को दोस्तों किसी घोड़े को ठंड लगी है या नहीं है कैसे पता लगाए? दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर उनके कान ठंडे हैं तो इसका मतलब है कि घोड़े को ठंड लगी है। दोस्तों, पालतू घोड़े के केवल एक ही प्रजाति है, लेकिन इसके लगभग 400 अलग अलग नस्लें हैं जिन्हें रेसिंग और अन्य कामों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। घोड़े के खुर उसी प्रोटीन से बने होते हैं जो कि इंसानों के बाल और नाखून में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक घोड़ा रात में इंसान से बेहतर देख सकता है। हालांकि एक घोड़े को प्रकाश से अंधेरे और अंधेरे से प्रकाश में जाने पर अपनी आंखों को एडजस्ट करने में इंसान की तुलना में अधिक समय लगता है। तो दोस्तों, घोड़े के कान, नाक और चेहरे के हावभाव से उसके मूड का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, घोड़े आपस में बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ों का उपयोग करते हैं। घोड़े की आयु, दोस्तों घोड़े की आयु 25 से 30 साल होती है। घोड़े पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, घोड़े का दिल का वजन, जी हाँ दोस्तों, यानी कि हार्ट 4 से 5 किलो होता है। और दोस्तों, घोड़े की स्पीड अधिकतम 88 किलोमीटर नापी गई है और इनके शरीर में 205 हड्डियाँ होती है। दोस्तों, इस तरह के होते हैं घोड़े। यदि शनिवार के दिन काले घोड़े को, जी हाँ दोस्तों, यदि काले घोड़े को आप चने खिलाते हैं तो इससे क्या होता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि दोस्तों आप काले घोड़े को चने खिलाते हैं शनिवार के दिन तो शनि महाराज की कृपा बरसती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शनिवार के दिन काले घोड़े को चने खिलाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, काले घोड़े को चने खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी होती है, प्रमोशन मिलता है, व्यापार अच्छे से चलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यदि आप
शनि ढैया से पीड़ित है, साढ़े साथी से पीड़ित है, तो दोस्तों आप शनिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों शनिवार के दिन काले घोड़े को चने अवश्य खिलाएं, इससे आपको फायदा ही होगा। दोस्तों यदि आपका काम रुक रुक के चल रहा है, नौकरी हमेशा छूट रही है, तो काले घोड़े को चने अवश्य खिलाएं, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, शनिवार के दिन काले घोड़े को चने अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम शनि शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।